हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जैनवासी। देखिए, आप भी मैंने बताया ना आपको, जो मैंने क्लासेस चालू किया है कि कोई भी एक शक्ति ले, जैसे अभी वो तो मैंने बीच में भी डाला था कि कोई भी एक शक्ति ले और शक्तियों के ज़रिए हम लोगों को साक्षात्कार दर्शन करवाने वाले हैं, है ना। तो साक्षात्कार दर्शन करवाने वाले करके जो हमने शक्तियों का काम शुरू किया था, अभी कल परसों मैंने लोगों को सिखाया कि कैसे घेराबंदी की जाती है, कैसे बैठा जाता है। कल मैंने लोगों को सिखाया कि किस तरह से शक्तियों को महसूस किया जाता है। आज मैंने अपने ग्रुप में ये सिखाया है कि किस तरह से पहले हम कौन से मंत्र को कभी भी पहले कहते हैं ना पहले घेराबंदी करते हैं, फिर शक्तियों को महसूस तो बाद में करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी पूजा और एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना पड़ता है जिससे कि पहले हमारी घेराबंदी होती है, उस घेराबंदी में कोई नहीं आता है, और किस तरह से हमें शक्तियों को कंट्रोल में करने के लिए कैसे मंत्रों का जाप किया जाता है, किस तरह से उनको मंत्रों का जाप करके उनको अपने कंट्रोल में लिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ की दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ती है, जिससे दिव्य दृष्टि से हमें महसूस होता है, हमने महसूस करना सिखाया है कि हमारे आजू बाजू में क्या हलचल हो रही है, सामने वाला क्या सोच रहा है और हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि नहीं, मतलब एक आत्मविश्वास बढ़ाया है। तो ये चीज़ें आज सिखाई है। मैं आप सभी को भी यही बोलूँगी, आज भी मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे को मैसेज किया था यूट्यूब पर कि हमें भी ये काम आपसे करवाना है, गायब करने का। देखिए, गायब करवाने वाला जो काम है, गायब मंत्र के लिए मैंने पहले भी कहा, मैं फ़ोन पे या किससे बात नहीं करती हूँ। आप अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए, जो भी प्रोसीजर है खर्चा पूरा कीजिए। खर्चा मैं यूट्यूब पे नहीं बताती हूँ, आप प्रोसीजर पूरा कीजिए, हम काम करके देते हैं ना, बोला ना। कैसा भी काम हो, कैसा भी दुश्मन हो, कितना भी आपको परेशान कर रहा हो, 7 दिन में वो गायब हो जाएगा। जैसे कि भी हमने, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आरिफ शेख ने अपने दोस्तों के साथ मिलके वो गाड़ी, जो गाड़ी है MH473130, गाड़ी गायब की, गाड़ी ला के देने का नाम नहीं ले रहा है, वो अपने अपनी होशियारी कर रहे हैं। मेरी माँ बगलामुखी की कसम, इस होली तक उसके और उसके साथियों के साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं, पागल होके घूमेंगे, ये बात पक्की है, देख लेना आप, क्योंकि इनको कुदरती सज़ा मिलेगी। मैं देखो ये बात से बिल्कुल नहीं डरती कि कोई जाके मेरा पुलिस में वीडियो दिखा देगा, ये दिखा देगा, वो दिखा देगा। सीधी सीधी बात है, हमने किया क्या, हम मंत्र कर रहे हैं, मंत्र इसलिए करें कि हमारी जान जल रही है। ये आदमी, हम लोग कोई, मेरे घर में कोई तांत्रिक विद्या कुछ भी नहीं होती कि मैं, मुझ पर कोई एक्शन ले या कुछ ले, क्योंकि मुझ पर जो एक्शन ले जाएगा मैं उसको पहले ये बताऊंगी कि इन लोग पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया, जब ये लोग दिन दहाड़े मुझे नशा दे रहे थे, दिन दहाड़े मेरे घर पर आके ड्रग्स दे रहे थे, सुबह 4 बजे 5 बजे दे रहे थे, इस आरिफ शेख और उसके साथियों को तब क्यों नहीं पकड़ा, तब तो मेरे बंगले के बाहर गाड़ी घूम रही थी ना। अगर एक बंदा भी इस तरह से अगर आके मुझसे सवाल किया ना, समझ लेना सबसे पहली बैंड उसकी बजेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, ऐसे गुंडों के लिए खड़े, ये बात पक्की है। कि गाड़ी, देखो मुझे गाड़ी की चिंता नहीं है, गाड़ी दे मत दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस होली तक मैं जो करूँगी, क्योंकि जो ताकत, जो मैं मंत्र 7 दिन में गायब करने वाला बता रही हूँ, ये मंत्र इतना पागल कर देता ना कि आदमी खुद ब खुद इतनी बुरी तरीके से टेंशन में पागल हो जाता है कि खुद ब खुद खुदकुशी कर लेता है, खुद ब खुद वो खुदकुशी करेगा उसकी गलती से। क्योंकि ऐसे लोगों की सज़ा यही है, जितने लोगों, इन लोगों ने कितने लोगों को मारा है, हमारे गोराई में लॉकडाउन के टाइम पे 4-5 लोग मरे आत्महत्या के, नशे के चक्कर में लोगों ने कितने लोगों को पागल किया है, भीमनगर से लेकर कहाँ तक कितने लोग हैं, मैं बहुत सारे जनों का नाम ले सकती हूँ, देखती हूँ डेली फेसबुक पे, सबके साथ उन लोग का फ़ोटो वोटो डालते हैं। कोई चिंता मत करो, बस होली तक वेट करो, होली तक विद्या देवी करके दिखाएगी। भले मैं, देखो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा इस वक्त लास्ट टाइम है, मेरा बच्चा कभी भी हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी टीम तैयार है, मेरी टीम सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, स्वामी समर्थ के सामने अपना स्वामी समर्थ के सामने अपनी अरदास रख रही है कि स्वामी समर्थ बाबा आप वो करो, अशक्य को शक्य करो, इन सबको इनकी करने की सज़ा दो। कहते हैं ये रेणुका यल्लम्मा माँ को हर एक घंटे में भंडारा फूका जा रहा है, और मेरी बॉडी वाले शक्ट और समाधि वाली माँ के सामने हर एक सवा घंटे पे सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे। अरे कैसे जीत नहीं होगी हमारी, देखो कैसे पागल होते हैं, जिस जो गलती की, देखो ये आदमी है ना, 18 मार्च को पूरा 3 साल पूरा हो जाएगा जिसके अंदर इस आदमी ने, सॉरी 2 साल पूरा हो जाएगा जिसके अंदर इस आदमी ने हमको टॉर्चर किया था। 18 मार्च के दिन मेरे प्रभु से मुझे अलग किया था, है ना, इस बात का 18 मार्च के दिन माया मैडम को सब कुछ मालूम होते हुए उसने हमारा साथ नहीं दिया था। इन सबको अगर मैंने होली तक पागल नहीं किया तो विद्या देवी एक बाप की औलाद नहीं, समझ जाऊँगी मेरी माँ 10 के पास गई थी, मैं ऐसा समझूँगी अगर मैंने काम करके नहीं दिखाया तो। देखो सबके सब पागल होंगे, सबके सब, जितने लोग इस पाप में शामिल है चाहे कोई भी हो, सबके सबका हाल वो होगा ना
कि इंसान खुद ब खुद या तो बॉम्बे छोड़ के भाग जाएगा या पागल हो जाएगा या उसके साथ कुछ तो ऐसा होगा जो सोचे समझे नहीं होगा। मैं अब किसका नाम नहीं लूँगी किसके साथ क्या होगा, जिसने ये पाप किया सबके साथ होगा, लेकिन आरिफ शेख के साथ, माया मैडम के साथ, इन लोगों के साथ तो ज़रूर, और इनका जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया है इनके साथ ज़रूर। इनकी सज़ा बस यही है कि इन्होंने मुझे मेरे केशों के पापा से अलग किया, मेरे मुझे मारने की कोशिश की। मुझे याद है 22 अप्रैल को इन लोगों ने जहर दिया। माया मैडम को सब कुछ मालूम होते हुए सीधी बनी रही, तेरा सीधापन अगर तेरी गांड में नहीं घुसा है ना, मेरा नाम बदल देना, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त तू में है मेरी, बस क्योंकि तू चाह के भी सच नहीं बोल रहा। अगर तू चाहती है बचना तो तू सारा सच कबूल कर, नहीं तो तेरे साथ तो जो होगा कि ना तू घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, ये बात मेरी पक्की। तू सब मुझे जानते हैं क्योंकि ये सारा काम आज शुरू हो गया, और बारिश का मैंने बोला था 24 घंटे में बारिश शुरू हो चुकी है। बस मैं लोगों को सिखा रही हूँ, मैं जो चीज़ सिखा सकती हूँ वो इतनी तरह से एक्टिव है ना कि हमारे साथ 24 घंटे शक्तियाँ घूम रही हैं। मैं अभी देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई जाप नहीं कर रही, मैं सिर्फ बॉडी वाले शख्स के सामने 80 ग्रह गप्ती लगा रही, बाकी काम मेरी टीम कर रही। क्योंकि मैं, मेरी बाँ ने मुझे इस वक्त एक ही बात कही है, सिर्फ और सिर्फ केशों पर ध्यान दे, बच्चा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर ध्यान दे, बाकी लोगों को हम सब देखेंगे, बस ये बात है। मुझे मेरे केशों के पापा मेरा ध्यान दे रहे हैं, और इस बात की सज़ा मैं पक्की दूंगी। ये मेरी बाँ की कसम है, समाधि की कसम है, 7 पीढ़ियों की कसम है। अगर मैंने इन लोगों को 7 दिन में, होली तक अगर इन लोगों की बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम नहीं। अरे ले जा गाड़ी, तेरी गाड़ी में सारा तू अपनी अर्थी लेके जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोगों ने तेरा साथ दिया, पुलिस, वकील, भीमनगर वाले, कहीं के भी पूरे गोराई वाले, जितने लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, 18 मार्च तक देखो उनका क्या हाल होगा। कोई खून की उल्टी करेगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई भिखारी बनेगा, किसकी पूरी जमीन जायदाद चली जाएगी, क्योंकि ये मंत्र ही वैसा है। जो मंत्र हम कर रहे हैं ना 7 दिन में, गायब मंत्र, वो इंसान का पैसा गायब कर देता है, दिमाग गायब कर देता है, पागल हो जाता है इंसान, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, क्या कर रहा है क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, अच्छे भी उनको बुरे लगते हैं, अननर्सरी सबसे झगड़ा होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल होता है सबका। वो हाल करूँगी, चाहे मेरे घर के हो, चाहे मेरे बाहर के हो, चाहे भीमनगर के हो, चाहे गोराई के हो, चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्र में हो, बाहर हो, विदेश में हो, सबका वो हाल करूँगी ना कि कुत्ता बनेंगे, पागल होकर ऐसे ऐसे सर खजुआते हुए घूमेंगे। ये विद्या देवी का वादा है, होली की रात के बाद मज़ा देखना, ये मेरा वादा है, और ये वादा पूरी दुनिया के सामने आएगा, आप देखना पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी, मैं नहीं पूरी दुनिया तमाशा देखेगी, ये मेरा अखंड वादा है। क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा देनी ज़रूरी है, और ऐसे नशेड़ियों को बचाने की अगर कोशिश किसी ने की उसका भी वही हाल होगा। क्यों? क्योंकि इन लोग ने एक विद्या देवी को नहीं, एक विद्या देवी को बर्बाद किया, एक अच्छे खासे घर के प्रदीप धावरे को बर्बाद किया, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, दोस्ती का बदनाम किया। और दूसरी बात, इलेक्शन की बात, किसी ने मुझे फिर किशोर कुमार पता नहीं कौन है भाई, मुझे बोलता है, देखो मैंने अपना मत रखा कि मुझे बीजेपी को वोट नहीं देना, मैंने मोदी सरकार को गाली नहीं दी, मैंने कहा कि उनका नहीं, हमको उनको वोट नहीं देना है, क्यों हम लोग जिस तरह से बर्बाद हुए, मैंने अपनी मत रखा। मैंने ये नहीं कहा कि कौन सा पार्टी लेवल आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दो इसको दो, मैं तो बोलती किसी को मत दो या दो, तुम्हारी मर्जी, मैंने सिर्फ अपना मत रखा है, मुझे अपना मत रखने का हक है, मैंने अपना मत रखा, आपको अपना मत रखने का हक है। मैंने सिर्फ ये आगाह किया है कि वो दिन याद रखो कि हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाए हैं, क्या बोलते हैं, शमशान के बाहर लाइन लगाए, सब जगह लाइन लगाया हमने, राशन के लाइन लगाए, लोग कितने लोगों के घर में कितनी मौतें हो चुकी है, अगर ये मौतें होने के बाद भी अगर इंसान जाके वोट देता है बहुत बड़ी बात है। मैं बोलती हूँ अगर दम है ना लगाओ ना, ऑनलाइन वोटिंग करो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ हो गया ना, पे फोन चालू हो गया, सब हो गया, ऑनलाइन वोटिंग करो ना, ऑनलाइन वोटिंग में खुलेआम रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा, रिजल्ट ऐसा आएगा जो शायद किसी ने सोचा ही समझाने को, कोई पार्टी नहीं जीतेगी, ये बात पक्की है। विद्या देवी की बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची है। और बारिश तो होगी, बारिश शुरू हो चुकी है, सांगली में हो गई और भी बहुत जगह शुरू हो गई बारिश, बारिश शुरू हो गई है, बॉम्बे में भी हो जाएगी, चेंबूर में उधर से भी मेरे को सुनीता का फ़ोन आ गया था, वहाँ थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया। बस है, बस मेरे पास जो लोग सीख रहे हैं, जो शक्तियाँ ले रहे हैं, शक्तियों का साक्षात्कार दर्शन है, और जिन लोगों ने मेरे से शक्तियाँ रिटर्न ली हैं उनका भी वादा है। मैं देखो, पहली बात तो मैं किसी को कॉल करती नहीं हूँ, जिन लोगों ने शक्तियों का काम चालू करा के शक्तियों का काम मेरे से रुकवाया है, उनका भी वो हाल होने वाला है जो शायद उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने सारा काम पूजे में किया है। अब उनका भी 18 मार्च को वो हाल होगा, क्योंकि उसके बाद मेरा एक ही मंत्र है, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े, तो मुझसे बच के दिखा देना, ये बात पक्की है। अभी कुछ लोगों ने खपोली से, यहाँ से, महाराष्ट्र से, नागपुर से 2-3 लोगों ने काम चालू कराया था, वो लोगों ने मेरे दिमाग पर असर किया है। होली की रात उनको पता चलेगा विद्या देवी उनके साथ क्या गेम खेलेगी, बस देख लीजिएगा।
क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं सिर्फ बच्चे पर ध्यान दूँगी। करने वाले काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो तो कोई नहीं जान सकता, ऐसी बात है बस। और लो पंगा और देखो। और माया मैडम और आरिफ शेख, तुम दोनों को खुला चैलेंज है, तुम दोनों का तो वो हाल करूँगी ना कि तुमको तो मौत भी नहीं आने दूँगी, और तुम लोग जहन्नुम में नसीब जगह मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोग अपना जुल्म कबूल नहीं कर रहे हो, तुम लोग माफ़ी नहीं मांग रहे हो, तुम लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हो, ये बात है। तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने, मेरी बाँ पे छोड़ा है, मेरी बाँ ऐसी है ना जो अच्छे अच्छे को नाच नचा सकते। अब मज़ा देखो होली तक क्या होता है। जय माता दी।